भारतीय क्रिकेट टीम के आधारभूत बल्लेबाज हार्दिक पंड्या और कुणाल पांड्या के पिता हिमांशु भाई का आज तड़के कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया है और हम अभी मौजूद हैं वडोदरा के उनके घर के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हिमांशु भाई का निधन हुआ है, तो यहाँ पर जो उनके परिजन हैं, उनके जो दोस्त हैं, वो भी यहाँ पर अब आना शुरू हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से हिमांशु भाई का निधन होते ही जो जैसे ही खबर मिली, तो यहाँ पर जो उनके जो रिश्तेदार हैं या फिर उनके जो चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे अहम बात ये है कि हिमांशु भाई जो 1998 में सूरत से वडोदरा आए थे, और वडोदरा आने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपना कारोबार शुरू किया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि काफ़ी आर्थिक हालत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या का जो क्रिकेट का शौक़ था, उनको जिंदा रखा। और यहाँ पर सबसे अहम बात ये थी कि उनकी माली हालत ठीक नहीं होनी थी, इसके बावजूद भी उन्होंने हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के क्रिकेट के शौक़ को जिंदा रखने के लिए किरण मोरे एकेडमी में उनको यहां से प्रवेश दिलाया। और सबसे अहम बात यह है कि अभी जो हार्दिक पांड्या है, वो यहां पर चार्टर फ्लाइट से यहां पर आ रहे हैं वडोदरा। और यहां पर जो BCA के जो प्रवक्ता हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कैसे मैसेज मिला, क्योंकि कुणाल पांड्या जो है वो सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट के कप्तान हैं वडोदरा में, और वो बायो बबल छोड़कर वो यहाँ पर घर पर आने के लिए निकल गए हैं। तो यहाँ पर जो सत्यजीत गायकवाड़ हैं हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गायकवाड़ साहब, ये कैसे मैसेज आपको मिला और क्या? सुबह सुबह हमें हमारी बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की जो चैनल है उसमें से मुझे पता चला कि सुबह 7:15 बजे कैसे ऐसे कुणाल और हार्दिक के पिताजी हिमांशु भाई का हार्ट अटैक से डेथ हुआ है। मैंने CEO शिशि रतंगड़ी से बात करके हम दोनों तुरंत यहाँ आए, कुणाल से बात की। कुणाल ने सुबह ही CEO और टीम मैनेजमेंट को, जैसे उनको कुणाल को पता चला 6 बजे, हार्ट अटैक तो आया था 4:30 बजे, लेकिन ट्रीटमेंट करके डॉक्टर के पास जाके जब डेथ हुई तो मालूम होते हुए थोड़ा टाइम लगा, तो कुणाल को 6 बजे बताया गया, 5:30-6 बजे। उन्होंने तुरंत टीम मैनेजमेंट CEO को बोला, ऐसा ऐसा मेरे फादर की डेथ हुई, मैं बायो बबल छोड़ रहा हूँ। उनको तुरंत परमिशन दी गई और फिर हम यहाँ आए, उनके घर पर आए, उनके साथ सांत्वन करने के लिए आए, क्या उनको ज़रूरत है देखने के लिए आए, तो मालूम पड़ा कि इस तरह से हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हार्दिक पांड्या का क्या मैसेज है यहाँ पर? हार्दिक पांड्या, अभी कोई रेगुलर फ्लाइट तो है नहीं बॉम्बे बड़ौदा, तो हार्दिक पांड्या चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हैं बड़ौदा करीबन 12:30 बजे को। उनको लैंडिंग परमिशन तभी मिली है, उसी वक्त की मिली है। जब वो यहाँ आएंगे उसके बाद अपने घर पे आएंगे, पिता और कुटुंब के साथ बैठेंगे। और जो माहिती मुझे मिली है अभी तक, वो ये है कि 3:30 बजे उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा वड़ीवाड़ी स्मशान गृह में। गायकवाड़ साहब, आपने हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या को बहुत ही छोटी उम्र से ग्राउंड पर देखा है, तो आप क्या मानते हैं कि जो हिमांशु भाई का रोल था, उनको आप किस नज़रिए से? हिमांशु भाई ने दोनों बच्चे के शौक और उनके में उनमें रही जो कुनह थी, वो कुनह को जानते हुए वो एक विजनरी तो हो ही सकते हैं। पिता, हर पिता को अपने बच्चों के लिए प्यार होता है, लेकिन एक पिता अपने बच्चों के क्रिकेट को शौक के लेके अपनी नौकरी, अपना करियर दाव पे लगा के बड़ौदा शिफ्ट होता है। और 1997 में उन्होंने किरण मोरे एकेडमी रिलायंस ग्राउंड पे जो चल रही है उसमें उनको भर्ती करवाया, और बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए और जिद के साथ जिद के लिए खेलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, उनको प्रोत्साहित किया। बहुत ही कठिन आर्थिक परिस्थिति थी उनकी, पैसे थे नहीं। उनको 2006-07 में 2 बार हार्ट का दौरा पड़ा, तब बच्चों के क्रिकेट के लिए उन्होंने सब पैसा निछावर कर दिया था। उनके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे, एंजियोप्लास्टी के लिए पैसे नहीं थे। फिर आज हम देख सकते हैं कि उनका जो दृढ़ निश्चय था, और बच्चों ने उस पिता के दृढ़ निश्चय को आगे बढ़ाते हुए जो मेहनत की रात दिन, और अपने आप को उस काबिल बनाया कि देश को रिप्रेजेंट कर सके, बड़ौदा को रिप्रेजेंट कर सके। मैं जब आज एक क्रिकेटर के हैसियत से मुझे फ़ख्र है कि ऐसे होनहार बच्चे जिन्होंने अपने बाप का नाम कीर्तिमान किया, अपने पिताजी को एक ऐसे धरातल पे जाके बिठाया, उनका हर सपना पूरा किया, चाहे वो
क्रिकेट के सक्सेस के माध्यम से हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति के माध्यम से हो, और उनके पिताजी ने वो हर दिन देखे जो वो देखना चाहते थे अपने बच्चे के सक्सेस के को लेकर, अपने बच्चों को ऊंचाइयों पे देखकर, आज मैं मानता हूँ कि आज वो दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उनकी आत्मा को परम शांति से उन्होंने अपने साथ छोड़े होंगे कि जो ध्येय उन्होंने अपने सामने रखा था बच्चों के लिए, बच्चे उससे काफ़ी आगे जाके अपने आप को उन्होंने साबित किया और पिता का नाम उन्होंने रोशन किया। ये थे बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन सत्यजीत गायकवाड़, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये माना कि जिस तरीके से माली हालत ठीक नहीं थी, खाने के लाले थे, ऐसे में हिमांशु भाई ने हार्दिक पंड्या और कुणाल पंड्या को काबिल बनाया और देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। गुजरात तक की ओर से हिमांशु भाई, हार्दिक परिवार और जो कुणाल पंड्या का जो परिवार है उनको सांत्वना देता है। कैमरामैन सिद्धार्थ खेरे के साथ वशिष्ठ शुक्ल, वडोदरा, गुजरात तक।